हेलो एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 2 है वो काफ़ी बड़ा था, और बड़े में आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा थीम वाइज था वो, इसलिए उसको थोड़ा मैंने पार्ट में किया। आज इसका थर्ड पार्ट होगा। इसके पहले तक मैंने सॉइल के कंजर्वेशन से संबंधित, सॉइल फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो अलग अलग टाइप की फार्मिंग थी वो भी हम लोगों ने डिस्कस की, ताकि सॉइल कंजर्व रहे। ठीक है, आगे उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें वाटर और नेचुरल वेजिटेशन जो है, वाइल्ड लाइफ जो पैटर्न है इंडिया में, वर्ल्ड में, उसका कंजर्वेशन संबंधित चर्चा करेंगे। ये एक बहुत बेसिक शुरुआत है इन्वायरमेंट जो कोर्स है, या इन्वायरमेंट आप कह सकते हो कि जो सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट उसकी आप मान सकते हैं। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, और थैंक यू जो लोग कमेंट करते हैं, और जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट आप कमेंट करने का प्रयास करें, वही एक एनर्जी का सोर्स है मेरे लिए। जी हाँ, सो आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जो है चैप्टर 2 में, ध्यान रखना है क्लास 8th की बात हो रही है, इसके पहले सारी क्लासेस मैंने अभी उसमें आप पार्ट देख सकते हैं यदि नए लर्नर हैं आप तो। और जब भी आप अनअकैडमी की ओर जाएँ तो डेली मेरी फ्री क्लासेस भी आप ले सकते हैं, शाम को 7 बजे स्पेशल क्लासेस होती हैं, और आप सारी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी पर, यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन। और उसके साथ साथ जो प्राइस हाइक है अनअकैडमी पर वो इस मंथ होने वाला है, तो आप जीएस और साथ में ऑप्शनल के साथ इस प्राइस पे आप सब्सक्रिप्शन लेकर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। नए बैच 8 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 ईयर 2 ईयर बैचेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, और साथ में अनअकैडमी की ओर से बुक्स की अवेलेबिलिटी भी हो रही है, आप बुक्स भी जो है आपको मिलेंगी। ठीक है, अब तक जो है हम लोगों ने, जैसे लास्ट क्लास वाला हम देखेंगे तो उसमें कंटूर बैरियर क्या होते हैं, रॉक डैम क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। टेरेस फार्मिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग, ये जस्ट इसके पहले वाले वीडियो को आपको बस देखना है। ठीक है, अब आज से हम वाटर के बारे में शुरू कर रहे हैं। वाटर मतलब एक एसेंशियल पार्ट है। देखो चैप्टर का नाम ही था कि भाई लैंड है, सॉइल है, वाटर है, तीनों के कॉम्बिनेशन से वेजिटेशन मिलेगा और फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आएगा। मतलब हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। एक चीज़ को आपने कंजर्व नहीं किया तो एक चेन जो है वो टूटेगी, और टूटेगी तो आगे का हिस्सा जो है आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात। तो बड़ा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अब रिन्यूएबल तो अपने को पता है कि जो चीज़ बार बार आ सकती है, या बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है जिससे हम सर्वाइव कर रहे हैं उसका थोड़ा सा इशू है। वो इस चैप्टर में इसी बात में थोड़ा सा जो है वो चर्चा करना चाह रहा है कि ठीक है, मतलब वाटर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वाटर से थर्ड फोर्थ ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ कवर्ड विद वाटर, पता है हमें। ठीक है, लेकिन और उसको वाटर प्लानट भी कह रहे हैं एक तरह से, बट बात क्या है कि आधे से ज़्यादा जो पानी है वो ओशियन में है, जो कि सलाई है, सलाइन है, लवणता वाला है, एंड दैट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसको आप ऐसे तो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। फिर फ्रेश वाटर में आओगे तो लगभग 2.7% के आसपास हमारे पास बचता है, 100% यदि वाटर को लें तो। अब उसमें भी 70% आप देखोगे तो अंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन में एज अ ग्लेशियर छुपा हुआ है, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब क्या है, फिर बचा हुआ कुछ जो है वो थोड़ा बहुत, मान लीजिए 1% से भी आसपास, उससे भी कम, वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो ह्यूमन यूज़ के लिए है, और जिसका भी सोर्स क्या है कि भैया ग्राउंड वाटर में मिलेगा, सरफेस में मिल सकता है। तो बात क्या हो रही है कि मान लो 100% पानी भी है आपके पास, तो वो ये कहना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वाटर तो उसमें सलाइन हो गया। अब फिर थोड़ा बहुत मान लीजिए फ्रेश वाटर बचा, तो फ्रेश वाटर का भी हिस्सा आधे से ज़्यादा किस में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, वो भी इनएक्सेसिबल है। मतलब पहले आपको वाटर के महत्व को समझना पड़ेगा कि है कितना कम हमारे लिए एक्चुअल में। अब उसमें यदि आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उतने इश्यूज फिर क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि आज पानी यदि आप पोल्यूट भी कर गए, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम आ गई, तो ये तो नहीं है कि पानी तो बहुत है तो मैं पोल्यूशन करूँ। पानी एक्चुअल में नहीं है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो वाला वाटर, तो फ्रेश वाटर देयरफॉर आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, फ्रेश वाटर जिसका आप यूज़ कर रहे हैं। और सही बात है कि उसका जो वॉल्यूम है वो लगभग कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल एक साइकिल के पैटर्न पे चलेगा वो, ओशन से जाएगा एवोपरेट करेगा, या ग्राउंड वाटर से, या आसपास के क्षेत्रों से एवोपरेट करके फिर बारिश के उसमें आएगा। एक वाटर साइकिल जो हम पढ़ते हैं, जो जल चक्र जो होता है कि भैया यहाँ से सबसे पहले एवोपरेट हुआ, कहीं से भी एवोपरेट होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड बनेगा, बारिश हो जाएगी, दोबारा घूम के वहीं, ये साइकिल चल रहा है। तो बस फॉर्म उसके बदल रहे हैं, कभी गैशियस फॉर्म में होता है तो कभी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो फिक्स है, मतलब उसको आप ये नहीं कर सकते। अब वही चीज़ फिक्स है, उसमें भी ड्रिंकिंग वाटर का पैटर्न भी फिक्स है, तो उसको आपको अब संभालना होगा। ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन यदि आप देखोगे तो कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है। कुछ डेटा है, इतने ज़्यादा अपने लिए अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं है, लेकिन इसके महत्व को समझ सकते हैं आप कि कितना कंजम्पशन था और अब कितना कंजम्पशन बढ़ गया,
1975 के डाटा को देखेंगे आप और 2000 के डाटा को देखेंगे तो कंपेरेटिवली आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा इसके रिसोर्स की जो एक तरह से आप डिमांड कहोगे वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। स्पेशली अर्बनाइजेशन में, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा इसका फैक्टर होगा। जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, शिक्षा लोगे, बाहर जाने का प्रयास करोगे, अर्बनाइजेशन होगा, सब चीज़ें होंगी। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम उन चीज़ों को रोक दें, नहीं। बात यह है कि आपको इसी चीज़ के बीच में तो जो है बैलेंस बनाने का प्रयास करना है। उसी चीज़ में तो आपको सस्टेनेबिलिटी वर्ड आया है कि आप अभी की जनरेशन आप इस्तेमाल भी करें और फ्यूचर की जनरेशन के लिए रहने दें, नहीं तो ऐसी बात होती तो फिर हम ग्रोथ को रोकना पड़ जाएगा चीज़ों को लेके, और ऐसा कभी होता नहीं है। ग्रोथ भी ज़रूरी है और इसी के बीच का ही तो बैलेंस हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन की जो स्थिति बन रही है उस पर हमें डेफिनेटली काम करना होगा। वाटर की अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो सही बात है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वेस्ट एशिया, ऐसा नहीं भारत की बात, लगभग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रीजन्स में आप देखोगे, यूएसए, मैक्सिको वगैरह में लगभग आपको हर जगह जो है इस तरह के जो वाटर स्कैरसिटी का इशू है पोल्यूशन वगैरह में, या ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन के जो इशू हैं, कंटेमिनेशन का जो इशू है वाटर का, वो आपको चलता ही जा रहा है, ठीक है। अब बात क्या है कंजर्वेशन का, क्या करेंगे? तो कंजर्वेशन का सिंपल सी बात है कि आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। मतलब क्या कि जैसे सीवेज का है, अब सीवेज जो है यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, सीवेज जो भी निकल रहा है नदी नाले से जो, तो उसको यदि आप ट्रीट नहीं कर रहे तो अच्छे पानी को ख़राब कर रहा है, केमिकल्स पहुंच रहे हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स चले गए, मेटल चले गए, कैडमियम है, लेड है, मर्क्यूरी है, ये जाके तो सीधे कार्सिजिनिस भी हैं, मतलब एक तरह से कैंसर भी बना के, और आप देखोगे तो अलग अलग आपको बीमारियां देखने को मिलेंगी। आगे आने वाली क्लास में विल डिस्कस कि इताई इताई क्या होता है ना। उसके बाद में हम एक आउच आउच डिसीज़ होता है, बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हो जाते हैं। उसके बाद में नॉर्मली यदि आप देखेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऐसे नाम सुने होंगे आपने, तो नाइट्रेट वगैरह की उससे जनरली आप देखोगे, तो ये बड़ी बीमारियां हैं जो फिर उत्पन्न होने लगती हैं। फिर दूसरी बात क्या है, ये जो केमिकल हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कि इतनी जल्दी जैविक तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे कोई चीज़ है डिकम्पोज हो जाती है, अपघटित हो जाती है, सड़ गल के जो है ख़त्म होकर मिट्टी में मिल गई, दोबारा वो एक न्यूट्रिएंट की तरह काम आ जाएगा वेजिटेशन के। लेकिन ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो इतनी जल्दी हमारे वातावरण से जाते नहीं हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और वो फिर क्या फूड चेन में पहुँचेंगे, ह्यूमंस में पहुँचेंगे, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर पहुँचते जाएगा। जैसे मान लो मर्क्यूरी है, पानी में मिला, अब पानी में ये होता तो ख़त्म भी हो जाता, पर क्या फिश में चला गया, फिश ने खाया उसको, फिश के अंदर चला गया, मीना माता डिसीज जैसी संबंधित आने लगी, मतलब मीना माता जैसी बीमारियाँ आगे आ गई, फिश के बाद में वो आगे ह्यूमन साइकिल में जाएगा, तो ये सिर्फ फूड चेन में चलता रहता, तो ये इश्यूज हैं। तो इसलिए वहीं से इसका जो सोर्स है वहीं उसको ट्रीट करना पड़ेगा कि कहाँ से इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, कि एक नॉर्मली रेजिडेंशियल एरिया से आ रहा है, तो वहाँ से उस चीज़ को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब इनफैक्ट एक बेसिक लेवल पर बात करूँ तो जो कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, कॉस्मेटिक्स का भी आप इस्तेमाल यदि कर रहे हैं तो जब आप क्लीनिंग करेंगे, वॉश आउट करेंगे, तो वो भी पानी में बह के आफ्टरऑल वाटर में जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोवीड्स हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं, जो कि उसके मदद से वहाँ तक पहुँचते हैं। सो जो बेसिक सोर्स है ना उसको ट्रीट करना पड़ेगा, सबसे बेसिक पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे इंपॉर्टेंट बात है फॉरेस्ट एरिया को कवर, फॉरेस्ट एरिया को लगाना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात है भाई, फॉरेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा होता है, जब भी बारिश होती है तो वो पानी एकदम तेज़ी से नहीं बहता, रुक के चलेगा, रुक रुक के चलेगा, रुकेगा थोड़ा सा नीचे जाएगा, रुकेगा फिर नीचे जाएगा, मतलब क्या नीचे जाना, इन द सेंस परक्यूलेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है आपका, फायदा ही हो रहा है ना, रन ऑफ तो नहीं हुआ कि बह के, क्योंकि बह के गया तो कहाँ जाएगा, वापस नदियों से ओशियन में, और वहाँ गया तो वहाँ कोई काम का नहीं, पानी यहाँ चाहिए, फ्रेश वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, कुछ सिटीज़ में कंपल्शन हो गया, आपकी घर बनाओगे तो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, चेन्नई का एग्जाम्पल बन चुका है। तो अब जो वाटर है उसको ही हार्वेस्ट करना है, क्योंकि ये एक बार ओशन में दोबारा गया तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं, तो यहीं पर सब कुछ चीज़ें होंगी। दूसरी बात, एग्रीकल्चर एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पर उसको प्रॉपर सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, माइक्रो इरीगेशन टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, जो प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म सिंचाई योजना है जिसमें स्प्रिंकल्स हैं, ड्रिप इरीगेशन है, ये क्या है, इसमें आधा टाइम तो वेस्ट हो जाता है, कि इसमें आपने पानी जितना ज़रूरत नहीं है, मान लो पौधा यहाँ लगा है, पानी यहाँ भी दे रहे हैं आप, तो एवोपरेशन लॉस भी है उसमें, लॉस हो गया मतलब चला गया फिर तो स्प्रिंकल लगाइए, ड्रिप इरीगेशन जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो बेसिक लेवल पे ह्यूमंस को कम्युनिटी लेवल पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे
आप फ्यूचर के वाटर को स्टोर भी कर सकें, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम जनरली कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाटर एक बहुत बड़ा, और अच्छा इसका महत्व कब समझ में आएगा, जब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल वाटर हमारे लिए कितना यूज़फुल है। यूज़फुल तो मतलब कितना एक्चुअल में यूज़ करने के लिए बचा हुआ है, तब आपको समझ में आएगा। अब ये एनसीईआरटी 8th क्लास की, उसके अकॉर्डिंग में इसमें कंटेंट दिया हुआ है। आगे जैसे एनसीईआरटी के लेवल बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग हमारी चीज़ों को और बेहतर लेवल से समझेंगे। अब ज़मीन थी, मिट्टी कंजर्व की, पानी कंजर्व किया, वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन कंजर्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी से वो भी कनेक्टेड है। क्यों? नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ क्या है? डेफिनेटली आप कह सकते हो कि लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर के कारण ही बायोस्फियर आया है। मतलब बायो मतलब क्या? जीवन कब आएगा? जब तीनों चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी, सांस लेने की जगह रहेगी, पानी होगा, लैंड मास होगा, तभी तो आप कह सकते हो कि वेजिटेशन नेचुरल जो एक तरह से पैटर्न बायोस्फियर का कह लो या वेजिटेशन का कह लो, तभी आ पाएगा वो जैव मंडल जिसको हम कहते हैं। अब ये सब चीज़ क्या है? तो अब बेसिक चीज़ है कि मान लीजिए एक लॉयन का ही एग्जाम्पल ले लें, तो लॉयन को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए। तो देखो सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, मतलब ये अजैविक चीज़ें हैं। सनलाइट वाटर कोई जीवित तो ऐसा है नहीं, मतलब एबायोटिक चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मान लो ये किसी डियर को खा लेता है, वो एक इसका इंट्रैक्शन हुआ इसके साथ, तो वो एक तरह से लिविंग हुआ। तो लिविंग और नॉन लिविंग मतलब बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों का, जैविक अजैविक का इसका जो इंट्रैक्शन होता है, ये एक इकोसिस्टम हो गया। मतलब जो पारिस्थिति के शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है एक्चुअल में नेचर में, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब क्या कि आप एज अ ह्यूमन किन किन चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो आपका एक इकोसिस्टम हो जाएगा। सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, पर खाने के लिए आपको कोई हर्बीवोर, मतलब हर्बीवोर इन द सेंस कि कोई आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसी चीज़, मतलब मान लीजिए कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, तो वो भी तो लिविंग पैटर्न पे आया है। तो ये नॉन लिविंग, लिविंग से जो इंट्रैक्शन चल रहा है आपका, दैट इज़ योर इकोसिस्टम। वो एक पारिस्थितिक तंत्र है आपका, सिस्टम है जिसमें आप सब इंट्रैक्शन कर रहे हो। और ये चीज़ किस में मिलेगी आपको? आफ्टर ऑल बायोस्फीयर के ही अंतर्गत मिलेगी। और ये कब हो पाएगा? जब सब चीज़ें कनेक्ट हो पाएंगी आपस में, ठीक है। तो इकोसिस्टम का वर्ड का मतलब समझना कि जो कोई भी जो चीज़ इंटरेक्ट कर रही हो किसी से, बायोटिक एबायोटिक दोनों चीज़ों से, ठीक है। एबायोटिक मतलब सनलाइट। अब मान लो उदाहरण और भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक पेड़ का ही ले लो, तो पेड़ को पानी भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ठीक है। अब इसको जो है कोई काऊ आके जो है, मान लीजिए, या कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इस पर कोई भी जीव जंतु रह रहे हैं, वृक्ष पर बर्ड्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो इंट्रैक्शन चल रहा है, तो एक इकोसिस्टम बन गया वो। तो किसी भी चीज़ से किसी का इंट्रैक्शन होना, दैट इज़ अ इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब ये क्या है? तो भैया प्लांट्स को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि प्लांट ही बेसिक सबसे पहले इकोसिस्टम की शुरुआत करेगा। मतलब प्लांट नहीं होगा तो आगे की कैसी स्थिति बन पाएगी, आगे की फूड चेन नहीं चलेगी। मतलब आप खुद अपने आप को रखिए या कोई भी ऐसे एनिमल को रखिए, तो पहले उसको पेड़ पौधे या कुछ वेजिटेबल या कुछ तो खाना चाहिए, तब तो आप आगे जाके, मतलब कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन में जाने के लिए बीच में कोई चाहिए। एक डियर है, लॉयन उसको तभी खा पाएगा जब वो डियर ने किसी ग्रासेस को खाया होगा, क्योंकि ये तभी तो एनर्जी इसको मिलेगी, तभी तो लॉयन जा पाएगा, इसको खा पाएगा। अब यही नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, सब कनेक्टेड है फूड चेन में। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल वेजिटेशन का भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। बाकी तो अंडरग्राउंड वाटर को देना, फ्रूट्स देना, और मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऑयल, गम, लेटेक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, रबर वगैरह जो आप सुनते हो, रबर प्लांट वगैरह, ये सब चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हमें संभालना होगा, ठीक है। अब उसमें वाइल्ड लाइफ में नो डाउट एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट सब आ जाते हैं। सबका अपना अपना एक निश होता है, एक फंक्शनल रोल होता है, सबका अपना काम है। एक सर ऐसा नहीं है कि मतलब अकेला कोई जी रहा है, सबके अपने इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। अब जैसे बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, अब बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट मतलब क्या कि यदि इंसेक्ट नहीं खाएंगे तो फिर इंसेक्ट की मात्राएं बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वो, तो बर्ड्स का रोल है, वो भी एक फंक्शन हो रहा है। वल्चर को देखा आपने, गिद्धों को देखा कि वो कोई भी सड़ी गली चीज़ों के बारे में, जैसे मान लो कोई डेथ डीके होता है तो वो साफ सफाई करता हो गया, वल्चर गिद्ध खा लेता है सफाई। अब इमेजिन यदि यही चले जाएंगे तो कितना ज़्यादा बायोमास इकट्ठा हो जाएगा, बायोमास इन द सेंस कि जो डेड डिकम्पोज मटेरियल है कितना ज़्यादा हो जाएगा, सफाई करते ही नहीं रहेंगे, स्कैवेंजर्स ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम होगा। तो चाहे जीव जंतु छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब अपने आप में उस पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, सबका अपना अपना काम है, उस काम को आपको समझना होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वर्ल्ड में भी यदि हम लिखें तो अलग अलग टाइप का वेजिटेशन आपको मिलता है, इक्वेटर पे अलग मिलेगा, डेजर्ट भी एक वेजिटेशन हो गया अपने आप में, ठीक है, पोलर एरिया में अलग देखने को मिलेगा। ये आगे जाके आपको इसकी डिटेलिंग और काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। नॉर्मल क्लासेस में आपको याद होगा फॉरेस्ट मिल रहा है कहीं हमें, तो फॉरेस्ट वो एवरग्रीन भी होता है, बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पतझड़ होने लगता है, डेसिडियस बन जाते हैं, फिर कहीं इतनी बारिश नहीं हो पाई तो ग्रासेस बन गए, ग्रासलैंड आ गए,
ठीक है, कहीं पर कुछ भी नहीं था, ठंडा था, तो टुंड्रा, टुंड्रा का मतलब जो कोल्ड एरियाज में मिलते हैं, बंजर भूमि जो होती है। लेह लद्दाख में जाओगे तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा फॉरेस्ट का, पोलर एरियाज में जाओगे तो इतनी ज़्यादा ठंडे की सॉइल कभी उतनी ज़्यादा डेवलप ही नहीं हो पाई। तो ये अलग अलग क्या हुआ, अलग अलग रीजन्स में सर्वाइवल करके इन्हें अपना एक इकोसिस्टम बना लिया, अडेप्ट कर गए, और नई नई प्रजातियाँ का जो है समय के अनुसार, उस स्थिति के अनुसार निर्माण होता चला गया, और सबका अपना अपना एक रोल है। तो कहने का मतलब ये बात, एक चीज़ और भी हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड है मॉइस्चर से लगा के। हमने देखा कि मॉइस्चर कम होगा, नमी कम होगी, बारिश कम होती जाएगी, तो उनका पूरा जो आगे तक का कनेक्शन है वो भी कम होता चला जाएगा। डेजर्ट के साथ भी ऐसा ही है कि यदि भाई एरिडिटी हुई, शुष्कता हुई, तो डेजर्ट लगे आएगा। अब डेजर्ट को पता है कि भैया मैं यदि, मुझे पानी नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरी लीव्स ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लीव्स बड़ी होंगी या तो फिर फोटोसिंथेसिस में थोड़ा बहुत पानी है वो भी चला जाएगा, तो कांटे लगना शुरू होगा उसमें, ठीक है। लीव्स यदि है तो बहुत थिक है ताकि वो जो है एवोपरेशन को रोक सके, क्योंकि वाटर लॉस तो होगा ना वहाँ से, तो वाटर लॉस, अब पानी है नहीं और वाटर लॉस यदि सनलाइट होने लगे तो पेड़ तो कैसे जीवित रहेगा। तो सबकी अपनी अपनी खास बात है। उसके बाद में टुंड्रा वेजिटेशन में देखते हैं कि जहाँ ठंडा क्षेत्र है वहाँ आपको लाइकन मॉसेस मिलेगी। लाइकन मतलब नॉर्मल जो फंगस आप सुनते हो, फंगस हो गया या इसमें एल्गी हो गया, ये उसके कॉम्बिनेशन में मिलेगा आपको। तो कोई सपोर्ट सिस्टम से बस जी रहे हैं। तो टुंड्रा में इतना ज़्यादा, टुंड्रा का मतलब ही होता है बंजर, इतनी ठंडे में कुछ मिलेगा नहीं। तो देख रहे हो आप, टेम्परेचर वाटर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। टेम्परेचर अच्छा मिला, वाटर अच्छा मिला, तो आपको जो है पेड़ पौधे, फॉरेस्ट एरिया अच्छा मिल गया। एकदम कम हो गया तो डेजर्ट मिल गया, और वहाँ पर जो है झाड़ियाँ मिलेंगी, छोटी छोटी पत्तियाँ मिलेंगी, या पत्तियाँ होंगी नहीं या कांटे होंगे, और इनके बीच में होते हैं ग्रास। न तो ज़्यादा बारिश मिलेगी, न ज़्यादा सूखा होगा, बीच का तो कुछ तो चाहिए ना, एक डेजर्ट है एक फॉरेस्ट है, तो बीच में क्या होंगे, ग्रास लैंड होंगे। तो ये अलग अलग वेजिटेशन जनरली हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल होगा इसका। अब जब ये इतना ज़्यादा है तो इसका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये वेल्थ की तरह है सर अपने, बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि इनका सब, आप खुद सोचो कि एक चीज़ यदि चली गई तो बाकी चीज़ कैसे काम करेगी। अभी आपको मैंने बताया कि वल्चर चले गए तो सफाई कौन करेगा सर, कोई भी डेथ डीके होगा तो उनको साफ कौन करेगा। तो अपने आप में इनका बहुत बड़ा रोल है, चाहे आप हैबिटेट के बारे में बात करो, उनके घर के बारे में बात करो, या प्लांट्स के बारे में बात कर लो, या स्पेसिफिकली एनिमल्स के बारे में बात करो। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वल्नरेबल हो चुके हैं, खतरे में आ गए हैं, कुछ जो है एक्सटिंक्ट की तरफ चले गए, तो आपको वैसा ध्यान रखना पड़ेगा। और यही कारण है इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए तभी जाकर नए कॉन्सेप्ट आए हैं कंजर्वेशन के नाम पे, कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेशनल पार्क में हम क्या होता है कि नेशनल पार्क में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, ये एरिया भैया फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर अलग अलग वनस्पति, अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो आपको इसको कंजर्व करना है, तो यहाँ पर कोई जाएगा नहीं। ह्यूमन इंटरफेरेंस लगा दिया कि अब कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा यहाँ, तो ये कंजर्वेशन करने का एक तरीका है। वहाँ जो स्पीशीज़ है उस पर ध्यान देना है हमें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या बनती हैं, जिसको हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, ये किसी स्पीशीज सेंट्रिक होती हैं, कि मान लो कोई वाइल्ड लाइफ, मतलब कोई, जैसे मान लो केन घड़ियाल, घड़ियाल का संरक्षण करना है, तो सिर्फ घड़ियाल का यदि संरक्षण करना है तो वो एरिया घड़ियाल के लिए फेमस है, तो उसके वहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर देंगे। क्योंकि चीज़ें जब तक घोषित नहीं करोगे, या चीज़ें जब तक अलॉट नहीं करोगे, तो आप उसको कंजर्व कैसे करोगे। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये अलग अलग तरीके हैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की, भैया इनको कंजर्वेशन करना है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ा सा मैन का और बायोस्फीयर, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है, उसके रिलेशन को समझने के लिए, उसके महत्व को समझने के लिए। तो ये तीनों वर्ड जो हैं अपने आप में, अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा हैं, इनको हम बहुत सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ एक वर्ड की तरह समझो कि नेशनल पार्क मतलब एक ऐसा एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया, जहाँ पेड़ पौधों का कंजर्वेशन किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं, जहाँ पर किसी एक प्रजाति को ध्यान देना हो, ये तो सब प्रजाति के लिए था नेशनल पार्क, एक प्रजाति के लिए ध्यान रखना हो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो और थोड़े बड़े होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ह्यूमंस का रिलेशन बताया गया है, कि ह्यूमंस जो है, जैसे मान लो कहीं रिसर्च करनी हो आपको, तो उसके लिए अलग जगह मिल जाएगी, कुछ क्षेत्र बिल्कुल रुका हुआ रहेगा कि यहाँ कोई नहीं जा पाएगा, कोर जोन, कोई स्टडी पर्पज़ के लिए रह सकता है, तो ये थोड़े से और बड़े होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व की तो अलग से मैं सेशन लूँगा, तब तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे हम लोग, डोंट वरी। अभी बस आप इतना समझो कि एक अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, चीज़ों को रिकग्नाइज कराने के लिए। कारण वही है कि सर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इनके बीच में, क्योंकि बैलेंस नहीं रहा तो फिर सिंपल सी बात है कि सब चीज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। जैसे सोशल फॉरेस्ट्री हुआ, कम्युनिटी को सर आगे आना पड़ेगा, ये सोर्सेज हमारे लिए हैं ना, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा।
ये एनसीईआरटी का मेन एक महत्वपूर्ण संदेश है। तो जैसे सोशल फॉरेस्ट्री हुआ कि सब सामाजिक तौर पर आप जो है पौधे लगाइए, ठीक है, वन महोत्सव बनाया गया, अवेयरनेस, लोगों तक नहीं पता लगेंगी ये बातें तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा तो कैसे काम होगा। तो ये सब चीज़ें स्कूल चिल्ड्रन तक की बात करी कि स्कूल में भी है, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत स्कूल से भी होती है, तो वहाँ उनको, क्योंकि वही आगे जाके एक नई जनरेशन बनने वाली, तो उस पर काम करने होगा, ठीक है। इसके बाद में कई बार आप देखते हो कि इलीगल किलिंग होने लगती है लॉयन एंड टाइगर डियर्स वगैरह की, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, ठीक है, तो जिससे आप इलीगल जो ट्रेडिंग होने लगती है तो उस पर जो है ट्रेडिंग को रोकने के लिए इस तरह के कन्वेंशंस बने हैं। तो साइट जनरली स्पेशली उन्हीं के लिए है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा, ये ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अलग अलग सरकारों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में, जहाँ पे इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है जीव जंतुओं का उनको रोका जा सके, ठीक है, उन पे काम किया जा सके। जी हाँ, तो ऐसे जब तक देश आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो आफ्टर ऑल ये सब कैसे कंजर्व होगा। तो ऐसे बहुत सारे, ये शुरुआत है इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक टू द ग्लोबल नेटवर्क, मतलब थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर पहुंच गए हम बायोस्फीयर रिजर्व में, यूनेस्को वगैरह का रोल आने लगता है एक्चुअल में इसमें, ठीक है। और नेचुरल नेशनल पार्क, अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आगे तक के जो जनरेशन के लिए चीज़ें बचे हैं इसलिए हम लोग उसको कंजर्व करते हैं, रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अलग अलग। जैसे इन्होंने बताया हुआ है इसमें कि ये वल्चर की स्टोरी बताई थी कि भाई वल्चर जो है डाइक्लोफिनेक के कारण बड़ी समस्या में आ गए थे। जैसे कैटल्स को एक पेन किलर दी जाती है, पेन किलर मतलब दर्द की जो गोली रहती है डाइक्लोफिनेक, अब वो कैटल तो मर गया मान लो, वो जीव जो जानवर है वो तो चला गया, उसको वल्चर ने खा लिया, अब वो डाइक्लोफिनेक जो दवाई दी थी वो इसके अंदर चली गई, इसकी किडनी काम करना बंद हो गई, किसके अंदर, वल्चर के अंदर, गिद्ध के अंदर, नेक ड्रूपिंग जैसी स्थिति हो गई। तो आप देख रहे हैं कि वो आप कह सकते हो कि इनके साथ समस्या हो गई, मतलब दी कुछ किसी और को और इम्पैक्ट किसी और पे हो गया, तो ऐसी समस्याएं बड़ी जो है देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, सब इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए हमें। तो इस तरह से ये चैप्टर था जहाँ पे वाटर और लैंड और सॉइल उसके बारे में बात की गई है। अगला चैप्टर बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अभी थोड़ा सा समय के अभाव है इसके कारण थोड़ी रेगुलरिटी नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि हम रेगुलर वीडियोस दें। कमेंट ज़रूर कर देना, और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें आप डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें, SGYT10, इस कोड का आप इस्तेमाल करें। और इस मंथ जो है प्राइस हाइक होने का जो है चल रहा है, और जो कि इसमें आप सब्सक्रिप्शन GS और ऑप्शनल साथ में आप कंबाइनली ले सकते हैं, सारी प्रिपरेशन हो जाएगी अन अकेडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। 8 सितंबर से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, 2 साल का बैच, 1 साल का बैच, सब अवेलेबल है, नोट्स भी आपको मिलेंगे। इस कोड का आप इस्तेमाल करें, SGYT10। थैंक यू सो मच।